이렇게 해. 누가다? 누가다? 예, 봤어. 야드라구나. 봤어. बंदा कहाँ कहता है, कब कहता है? मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बंदे का नफ्स जो है, एक नफ्स है ना, हमारे नफ्स की मिसाल जहन्नम ही है। हमारे नफ्स की मिसाल जहन्नम ही है। लोग परेशान हो, क्या हो जाए, कितनी बड़ी गाली जरा है, हमारे नफ्स की मिसाल जहन्नम की बोल के जा रहा है, बैठकर सुन रहे हैं। अब मैं मिसाल को जब साबित करूंगा तो आप मानकर रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे नफ्स की मिसाल जहन्नम की तरह है, बोले ये कैसा है, दोनों में बड़ी मुनासबत है, बड़ी मुवासलत है, बड़ी मुशाबहत है, ये कैसा। सही हदीस में आया बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से हदीस बनी है कि हुजूर ने फरमाया, लौ कान इब्न आदम वादियान मिन ज़हबी लदबा कालिकन, इंसान को दो वादी भरकर सोना मिल जाए तो तीसरी वादी तलाश करेगा। हदीस से सही सुना रहा हूँ, लौ कान इब्न आदम वादियान मिन ज़हब लदबा कालिकन, अगर इंसान के लिए दो वादी, वादी समझते वैली, पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वो वादी, दो पहाड़ों के बीच में वो ऐसी दो वादियां भरकर सोना, इतना कितने कितने अशरफी सोना है, 10 अशरफी कन के हिसाब से अनगिन, या अल्लाह आपने मेरे ख्याल से ऐसा सोना देखा ही नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं किसी को मिल जाएगा इतना सोना, लबदा खालिसन, तीसरी वादी ढूंढेगा। ये इंसान के लिए उतना सोना काफी नहीं, खामोश हो गए सब, काफी नहीं है शायद। एक इंसान के लिए दो वादी भरकर सोना क्या मेरी तरफ से, ये माई में हर ना इंसान का इंसान है कितना, उसकी जिंदगी कितनी खत्म हो जाता, जनाजा निकल जाता, ये माल के झगड़े शुरू हो जाते, ये है ना। तो इतना ज्यादा माल अगर किसी को रहे, हुजूर फरमाते तीसरी वादी ढूंढेगा। तो याद रखना, सहाबी फरमाते हैं ये हदीस एक जमाने तक हम इसे कुरान समझते थे। आप हदीस की किताब में पढ़ लेना, या मैं ये तिलावत, इन अल्फाज की तिलावत होगी, ये अल्फाज मंसूख हो गए, ये अवाली इस्लाम में कुरान की सूरत देखा, यानी कुरान शरीफ की हैसियत से देखा, ये अल्फाज मंसूख हो गए, माना तो है हदीस की शक्ल में है। अगर दो वादी भरकर सोना किसको किसी को मिल जाए तो क्या करेगा, क्योंकि माल है ऐसी चीज, खाना इतना है तो थोड़ा और मांगेगा, इतना खाना है तो कोई भी नहीं मांगेगा, बस बोलेगा अरे बस क्या मर जाऊंगा मैं इतना था, मगर माल ऐसा है थोड़ा है तो हिर्स कम, माल थोड़ा है किसी के पास तो उसकी हिर्स कम, जितना बढ़ता जाता हिर्स भी वैसी बढ़ती जाती। अब आप लोग वो क्या चाहते हैं, क्या होना, 500 टन सोना चाहिए आपको, किसी को कोई सोचा है क्यों माल कम है, कोई ख्याल ही नहीं आया। आप सियासतदानों से जाकर पूछो क्या होना, उनके पास ज्यादा माल है तो उनको और ज्यादा माल चाहिए। तो माल एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा मिलता है उतनी भूख बढ़ जाती है उसकी, इस वास्ते भी अल्लाह वालों ने माल को लाजमा, ऐसी खतरनाक चीज है। तो लौकाना अगर इंसान को दो वादी भरकर सोना मिल जाए तो तीसरी वादी ढूंढेगा। ये किसकी शान है, नफ्स की हमारी, क्योंकि सरकार ने फरमाया अल्लाह हमने अऊजु बिक मिन अल अरबा मिन इल्म ला यनफा व मिन कल्ब ला यख्शा व मिन नफ्स ला तशबा, वो नफ्स जिस जो सैर होता नहीं ऐसा नफ्स मुझे न दे, जिसकी हिरस खत्म नहीं होगी वो नफ्स मुझे न दे, तो ये नफ्स बड़ा हरीस है, इसे इसकी भूख मिटती नहीं, इसकी भूख मिटती नहीं, जहन्नम की भूख भी मिटती नहीं,
यहां तक कि भूख भी मिटती नहीं। कुरान में सूरह पाक अल्लाह फरमाता है यौमनकूम लिजहन्नम हलिल कलाती, हम कहेंगे जहन्नम से उस दिन तक तू भर गई, तेरा पेट भर गया। जहन्नम से अल्लाह पूछेगा तो मालूम हुआ, लोग तो कहते हैं अल्लाह का वली सुनता नहीं, अल्लाह का नबी सुनता नहीं, कुरान बता रहा है जहन्नम सुनती है। जहन्नम से वहां कहता है अल्लाह हलिम कला की उसे समाप्त है, जहन्नम को समाप्त है, वलीउल्लाह को समाप्त नहीं है, इसे समाप्त है। हलिम कला की तू भर गई और कुछ ज्यादा है तो सबको डाल देंगे, काफिरों को अंदर डाल देंगे। आपको मालूम है अहादी से सहीहा में आया काफिरों को डालेंगे ना, तो दुनिया में काफिर ज्यादा है मुस्लिम ज्यादा है, काफिर ज्यादा है और काफिर को डालेंगे तो ऐसी सूरत में नहीं डालेंगे। हुजूर फरमाते हैं एक एक काफिर का एक एक दांत कोह के पहाड़ के जैसा रहेगा, तो 32 दांत हैं तो उसके मुंह में 32 पहाड़ रहेंगे, तो कितना बड़ा रहेगा काफिर, तो अब कितनी जगह चाहिए उसके लिए, तो इतने बड़े बड़े जिस्मों को डाल देंगे बाप जहन्नम में, और फिर काफिर रहेंगे, फिर जहन्नम में पत्थर रहेंगे, बहुनास रहेगा सब रहेंगे, फिर जहन्नम के अजह रहेंगे, सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, सब नहीं, तो कितनी उसी जगह होगी। अब जहन्नम से पूछा जा रहा है हलीम तआला की तेरा पेट भर गया, तो उन हलीम मसीह को बोलेगी क्या और चाहिए, तो भागे मुस्लिम ने अनस बिन मालिक से रिवायत है हुजूर फरमाते हैं उस वक्त फयजा और रब तबाराक व तआला कदमहु फीहा, अल्लाह ताला अपना कदम जहन्नम में रखेंगे, अल्लाह ताला रखेंगे, तब जहन्नम बोलेगी हक हक की इज्जत का, बस बस तेरी इज्जत की कसम, क्या बोलेगी बस बस हक के माने बस, इसी से हक 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 तेरी इज्जत का, बस बस तेरी इज्जत की कसम। तो कब बस होती है जहन्नम, जब तक मखलूक मिलती रही मिलती रही मिलती रही, भूख मिटी नहीं, खालिक आया पहुंच गया। इसी तरह ये नफ्स को भी जब तक मखलूक मिलती रहती है मिलती रहती है, मांगता रहता है मांगता रहता है, जब अल्लाह मिल जाता है बोलता है हस्बुना अल्लाह, अल्लाह जब मिल जाता है बंदे को तो मुतमईन हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नफ्स इर्जिई इला रब्बिक, ऐ नफ्स मुतमईन, नफ्स मुतमईन हो गया, अब नफ्स हरीस नहीं है, अब नफ्स भूखा नहीं है, अब नफ्स क्या हो गया मुतमईन हो गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह इस तरह किसे बुलाएगा, हुजूर फरमाते हैं तुम्हें बुलाएगा, सुभान अल्लाह, या नफ्स मुतमईन, ऐ नफ्स मुतमईन इर्जिई इला रब्बिक, आ जा तो अपने रब के पास, राजियतन व रजीला, तू भी राजी हमी राजी, अपनी भी आबादी मेरे बंदों में आ जा, मेरी जन्नत में आ जा, जन्नत के बाद पहले बंदों में आना, जन्नत के बाद आना, इस वास्ते हम पहले अल्लाह के बंदों से मिले इंशाल्लाह फिर जन्नत में जाएंगे, आजादी व पूरी जन्नत की, मेरे बंदों में आ फिर मेरी जन्नत में आ। तो जिस तरह जहन्नम को मखलूक मिले तो भूख मिटी नहीं, इसी तरह ये नफ्स को भी माल मिले दौलत मिले सरवत मिले शोहरत मिले फिर इसका मुक्ति नहीं, जब खुदा मिलता है वो मुतमईन, बोला अब बस अब मांगते नहीं। सूफिया इकराम का आलम क्या है, और ये अल्लाह का जोर ने किया, सहाबा इकराम का जोर ने किया, क्या मिल गया उन्हें सोना चांदी, अल्लाह मिल गया बोले बस, तो अल्लाह मिले तो क्या बोलता बंदा बस। अब यहाँ हुजूर की मुराफकत और हुजूर की सोहबत मिल रही जन्नत में, सहाबी कहते हुआ जाकर ये बस, क्या माना यहाँ तक पहुंचना मेरा काम है, आप जा रहे हैं वहां मेरे महबूब हकीकी को मैं देखता रहूंगा, यहाँ भी मैं आपके आईने में उन्हें देखता हूँ, वहां भी आपको आपके सोहबत में रहकर जो मजे मैं लूंगा वो दूसरे मकाम पर नहीं मिलेंगे। हुआ का ये होना आपकी सोहबत होना ये अल्लाह के दीवानों की शान है। तो अब इसमें आप देखिए कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर आदि चीज मांग रहे हैं, मांगते वो
मांगते उससे जो चीज का मालिक हो, जो मालिक है उससे मांगते नहीं। शिशा का हुआ है, मैं उठा लू, आप इजाजत दीजिए, आपको मेरा है नहीं, वो जिसका उससे पूछिए वो लेंगे ना। तो मैं आपसे जन्नत की सोहबत मांगता हूँ, तो हुजूर ने नहीं कहा अल्लाह से पूछ, मैं मालिक हूँ क्या जन्नत का, और क्या होना, क्या माना, और कुछ भी दे सकता हूँ का ये बस। तो बहरहाल अब इससे इतना मालूम हुआ, ये जरा मौजू से हकी है बार वगैरह की दाखिल है, बहुत हद तक मुतालिक है, तो मांगना, क्योंकि बहुत से लोग मतलब पुकारो बराबर मांगना नहीं उसे, तो पहले ये बात साबित होगी कि मांग सकते हैं। ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह कभी तफसील से इस पर बहस करेंगे।